हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय धवन आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का मैथमेटिक्स कंप्लीट करवाऊंगा यूट्यूब पर, तो आज हम उस कंप्लीट सीरीज़ की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे हम एक बेसिक से चैप्टर टाइम एंड वर्क से, जिसको हम हिंदी में समय और कार्य भी बोलते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक्स करवाऊंगा। तो इसके बेसिक्स हम एलसीएम मेथड से करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हल्का हल्का एलसीएम लेना आता होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट कि मान लो दो पर्सन हैं, ए और बी। ए अपना काम 40 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 60 दिनों में कर रहा है। तो बताइए ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो ये ए के काम करने के दिन लिखे हुए हैं, ये बी के काम करने के दिन लिखे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ काम को अज्यूम कर लेंगे। तो काम को अज्यूम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 40 और 60 का एलसीएम क्या आएगा, 120, ठीक है। तो 120 को हम क्या मान लेंगे, टोटल वर्क। टोटल वर्क बोल सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 120 चेयर्स हैं जो ए को भी बनानी है, बी को भी बनानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए 40 दिनों में 120 चेयर्स बनाता है, यानी कि ए 40 दिनों में पूरा काम करता है। तो हमने पूरा काम क्या मान लिया, 120, और ए 40 दिनों में 120 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो ए का एक दिन का काम आएगा 120 बटे में 40, काटेंगे तो कितना आएगा, 3। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो बी अगर 60 दिन में 120 कुर्सियां बनाता है, तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा, 120 बटे में 60 करेंगे तो आएगा 2। तो बी एक दिन में कितनी चेयर्स बनाता है, 2। हाँ जी, तो सही बात है ना कि ए अगर 40 दिन में 120 कुर्सियां बनाएगा तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा, 3, ठीक है। अब पेपर में क्या पूछा जाएगा कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हमको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 और 2 5, और दोनों को मिलकर काम करना कितना है। तो हमने जो एलसीएम माना है वही हमारा टोटल काम होता है। एलसीएम कितना है जी, 120। 120 काम करना है, डेली का 5 काम करते हैं तो कितने दिन लग जाएंगे, 5 को 120 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 2 and 4। तो 24 डेज लगेंगे इन दोनों को मिलकर काम करने में, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसी मेथड के साथ पूरे चैप्टर को करेंगे, एलसीएम मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। मैं दोबारा से फिर रिपीट करा देता हूँ कि ए अगर किसी काम को 40 दिन में करता है, बी अगर उसी काम को 60 दिन में करता है, तो दोनों जन मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 120 आएगा, 120 को हम टोटल वर्क मान लेंगे। टोटल वर्क हम चेयर्स के मीडियम में मान सकते हैं, या फिर आप कुछ भी मान सकते हो। हम ऐसे मानेंगे कि ए 40 दिन में 120 चेयर्स बना रखता है, तो एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएगा, 3। अगर बी एक 60 दिन में 120 चेयर्स बना सकता है, तो एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएगा, 2। तो दोनों जन मिलके एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहे हैं, 5। दोनों जन को मिलके बनानी कितनी चेयर्स है, 120। एक दिन में 5 बनाते हैं, तो 120 चेयर्स कितने दिनों में बनाएंगे, 120 को बटे में 5 करेंगे तो 24 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी फ्रेंड्स, अभी हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसे 30 दिनों में कर सकता है, तो वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो ए उस काम को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो जन दोनों जन मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो पहला काम हमारा रहेगा 20 और 30 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम को हम टोटल वर्क मान लेते हैं, या फिर टोटल चेयर्स जितनी इन्होंने बनानी है। तो ए अगर
20 दिनों में 60 चेयर्स बना रहा है तो एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएगा, 60 के बटे में 20 करेंगे कट करके आ जाएगा 3, तो एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा 3। अगर 30 दिनों में 60 चेयर्स बना रहा है तो एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएगा 2। कैसे आया, 60 के बटे में 20 किया, 60 के बटे में 30 किया, कट करके कितना आ गया 2। बी एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहा है 2। दोनों जन मिलके ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहे हैं 3 और 2 5। एक दिन में 5 चेयर्स बना रहे हैं तो 60 चेयर्स बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे, 60 के बटे में 5 करेंगे कट करके कितना आ जाएगा 12 डेज, तो 12 दिन लगेंगे दोनों को उसी काम को कंप्लीट करके मिलके। ठीक है, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अगर किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों जन मिलके उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ए उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, दोनों जन मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। तो ए 12 दिन में 60 कुर्सियां बनाता है तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा 5। बी अगर 20 दिन में 60 कुर्सियां बनाता है तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा 3। तो दोनों जन मिलकर एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएंगे, 5 और 3 8। अगर ए और बी एक दिन में 8 चेयर्स बना रहे हैं तो 60 चेयर्स बनाने के लिए कितने टाइम लेंगे, 60 बटे में 8, तो इसको कट करेंगे 4 से, 4 दूनी 8, और इसको 4 से कट करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 बटे में 2 मतलब 7.5, तो 7.5 दिन लग जाएंगे दोनों को ये काम मिलकर करते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको अगला सम करवाऊंगा। हाँ जी, तो तीसरा सम है मेरे पास, ए एक काम को 4 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, तो बताइए दोनों उस काम को मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके इस सवाल को खुद से बनाइए और बाद में अपना आंसर चेक कीजिए। ठीक है, तो मैं करता हूँ, 6 और 4 का एलसीएम आएगा 12, तो ए अगर 4 दिन में 12 चेयर्स बना रहा है तो एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएगा 3। बी अगर 6 दिन में 12 चेयर्स बना रहा है तो एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएगा 2। दोनों जन मिलके एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएंगे 3 और 2 5। अगर दोनों जन मिलके एक दिन में 5 चेयर्स बना रहे हैं तो 12 चेयर्स बनाने के लिए कितना टाइम लेंगे, 12 बटे में 5 करेंगे तो आएगा 2.4 डेज। तो फ्रेंड्स अगर आपका आंसर 2.4 डेज आया है तो आप बिल्कुल सही हैं, और अगर गलत आया है तो आप कृपया करके शुरू से वीडियो देखें। हाँ जी, हाँ जी, तो इसके बाद हम नया क्वेश्चन करते हैं। कि ए किसी काम को 20 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, सी उसी काम को 12 दिनों में कर रहा है, तो बताइए तीनों लोग मिलकर सेम काम को कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, तो पहले तो एलसीएम लेंगे, 20 15 और 12 का एलसीएम कितना आएगा 60। अगर ए 20 दिनों में 60 कुर्सियां बना रहा है तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएगा 3। अगर बी 15 दिनों में 60 कुर्सियां बना रहा है तो एक दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे 4। अगर सी 12 दिनों में 60 कुर्सियां बना रहा है तो कितनी कुर्सियां बनाएंगे 5। ये डेली की इनकी एफिशिएंसी आती है। ठीक है, तो अगर ए किसी काम को एक दिन में 3 कर रहा है तो 3 क्या है, 3 ए की एफिशिएंसी है। इसी प्रकार से 4 बी का क्या है, ये बी की एफिशिएंसी है। किसी भी पर्सन की कार्य करने की क्षमता को हम एफिशिएंसी बोलते हैं। तो इन तीनों की एक दिन में काम करने की एफिशिएंसी कितनी है, मिला के 5 और 4 3 कितना आ गया 12। अगर ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को एक दिन में 12 कर सकते हैं, यानी कि एक दिन में 12 काम कर सकते हैं, तो 60 काम करने के लिए कितना टाइम लेंगे, तो 60 बटे में 12 कितना आंसर आ जाएगा 5 डेज। ठीक है,
तो फिर से करवा देता हूँ कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो तीनों जन मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकेंगे? तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे 60, 60 निकालने के बाद इनकी एफिशिएंसी भी निकाल लेंगे। 60 बटे में 20 किया 3, 60 बटे में 15 किया 4, 60 बटे में 12 किया 5। तो तीनों जन मिलकर एक दिन में कितनी चेयर्स बना सकते हैं? 12। तो चेयर्स बनानी कितनी है टोटल? 60। तो 60 बटे में 12 किया तो कितना आ गया? 5 डेज। तो 5 डेज इसका आंसर आ जाएगा। अभी इसके बाद हम नया क्वेश्चन लेंगे। हाँ जी, तो ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, बी किस सॉरी हाँ जी ए किसी काम को 12 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 24 दिनों में कर रहा है, सी उसी काम को 36 दिनों में कर रहा है। तो हमको बताना है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो पहले तो हम एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 72। अगर ए 12 दिनों में 72 चेयर्स बना रहा है, एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएगा? 6। तो बी 24 दिनों में 72 चेयर्स बना रहा है, तो एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएगा? 3। तो ऐसे ही सी कितनी चेयर्स बनाएगा? 2। तीनों जन मिलकर एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएंगे? 11। ठीक है, तीनों जन मिलकर एक दिन में 11 चेयर्स बना रहे हैं। 72 चेयर्स बनाने में कितना टाइम लेंगे? 72/11। अगर हम इसको आगे काटें तो 6 तक पूरा पूरा जाएगा, 11/6 66। तो उसके बाद 6 बच जाएगा, 6/11। तो इतना आंसर आ जाएगा हमारा, बिल्कुल ठीक है, 6/11। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम अगला सम बनाएंगे। हाँ जी, ए किसी काम को 24 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिनों में कर रहा है, सी उसी काम को 5 दिनों में कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा काम वही रहेगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 120। ठीक है, ए 24 दिनों में 120 काम करता है, तो डेली का काम कितना करेगा? 5। बी डेली में कितना काम करेगा? 10। सी डेली में कितना काम करेगा? 24। ठीक है, तो तीनों जन मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 24 और 10 34 और 5 39। ठीक है, तो तीनों जन का मिलकर एक दिन का कितना काम आ गया? ए बी और सी एक दिन में 39 चेयर्स बना रहे हैं। बनानी कितनी है? 120 चेयर्स, बटे में 39 करेंगे, 40 बटे में 3 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, 40 बटे में 3। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नेक्स्ट हम करेंगे। हाँ जी, अब नई टाइप का सम करेंगे आप। तो नई टाइप के सम में क्या है जी, कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं और बी अकेला उसी काम को 60 दिनों में कर रहा है, तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो करना इसको भी सेम ही मेथड से है। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, 40 और 60 का एलसीएम कितना आएगा? 120। अगर ए और बी दोनों मिलकर 40 दिन में 120 चेयर्स बना रहे हैं, तो एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएंगे? 120 बटे में 40 करेंगे तो आंसर आएगा 3, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 चेयर्स बना रहे हैं। तो बी अगर 60 दिन में 120 चेयर्स बना रहा है, तो एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएगा? 2। तो ए की वैल्यू पता करनी है, तो ए की वैल्यू पता करने के लिए सबसे पहले ए की एक दिन की एफिशिएंसी मालूम होनी चाहिए हमको। ए और बी दोनों जन मिलकर एक दिन में 3 चेयर्स बना रहे हैं, अकेला बी एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहा है? 2। तो मैं बी की जगह पे 2 लिख दूंगा, तो बराबर में आएगा 3। ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 कटेंगे 1। ए एक दिन में अगर 1 चेयर्स बनाता है तो 120 चेयर्स बनाने के लिए कितना टाइम लेगा? तो 120 चेयर्स बनाने के लिए 120 के बटे में 1 करेंगे तो 120 दिन ही लगेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, कोई पर्सन एक दिन में 1 चेयर्स बनाता है तो 120 दिन में 120 चेयर्स बनाएगा, 60 दिन में 60 चेयर्स बनाएगा, 100 दिन में 100 चेयर्स बनाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं अभी इसके बाद।
हाँ जी, तो ये सम आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, ये मैं सम अपनी तरफ से करवा रहा हूँ कि अगर ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर रहे हैं और बी और सी उसी काम को मिलकर 30 दिनों में कर रहे हैं, तो बताइए अकेला ए उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो करेंगे सेम वैसे ही, 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60। ए बी और सी 20 दिन में 60 कुर्सियाँ बनाते हैं, तो एक दिन में कितनी बनाएंगे, 3। ये दोनों एक तीन कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे एक दिन में, 2। तो करना क्या है, ए बी और सी एक दिन में अगर 3 चेयर्स बना रहे हैं, बी और सी एक दिन में 2 चेयर्स बना रहे हैं, तो ए एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएगा, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, 3 में से 2 निकाले 1। ए एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहा है, 1, तो 60 चेयर्स बनाने के लिए कितना टाइम लेगा, 60/1 यानी कि 60 दिन। तो ए को सभी चेयर्स बनाने के लिए 60 दिन लग जाएंगे जी। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, तो अगला सब बनाएंगे, ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं और ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को 50 दिनों में कर रहे हैं, तो बताइए अकेला सी इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो 30 और 50 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 150। 150 को 30 से काटेंगे कितना आएगा, 5। 150 को 50 से काटेंगे कितना आएगा, 3। तो ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 5 चेयर्स बना रहे हैं और जिसमें से ए बी दोनों एक दिन में 3 चेयर्स बना रहे हैं, तो सी बाकी की चेयर्स बनाएगा, 5 में से 3 गए 2, तो सी एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहा है, 2 चेयर्स बना रहा है। तो पूरी चेयर्स बनाने के लिए सी को कितना समय लगेगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 75 डेज। ठीक है, तो क्या पूछा था उन्होंने कि सी को पूरा काम करने में अकेले को कितना समय लगेगा, तो वो लगेंगे 75 डेज। हाँ जी फ्रेंड्स, अभी हम एक नई टाइप का सम करेंगे। तो सम क्या है, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिनों में कर रहे हैं, बी और सी उसी काम को 30 दिनों में कर रहे हैं, सी और ए दोनों मिलकर उसी काम को 40 दिनों में कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन देकर चार तरह के सम पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो ये पूछेगा ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा अकेला ए उस काम को कितने दिनों में करेगा, तीसरा क्वेश्चन पूछेगा अकेला बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, चौथा क्वेश्चन कौन सा पूछेगा, अकेला सी उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 24 30 और 40 का एलसीएम आएगा, 120 अगर एलसीएम आ गया तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल वर्क या टोटल चेयर्स जितनी इन्होंने बनानी है। अगर ए और बी दोनों मिलकर 24 दिनों में 120 चेयर्स बना रहे हैं, तो एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएंगे, 5। ये दोनों एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएंगे, 4। ये तीनों दोनों एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएंगे, 3। ठीक है, तो हमको चाहिए ए बी और सी की एक दिन की एफिशिएंसी ताकि हम इनका टोटल वर्क की टाइमिंग निकाल सकें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जोड़ देंगे। लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ेंगे तो ए और ए बन जाएगा 2A, बी और बी बन जाएगा 2B, सी और सी बन जाएगा 2C। ठीक है,
और बराबर में आ जाएगा 5 और 4 9 और 3 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको तो ए बी सी की वैल्यू चाहिए, लेकिन ये किसकी वैल्यू है, ये है 2a 2b और 2c की। तो 2 हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, a प्लस बी प्लस सी बराबर में 12। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 12 बटे में 2 करेंगे तो कट के कितना आ जाएगा, 6। तो a बी सी एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहे हैं, 6 चेयर्स बना रहे हैं। तो हमको चेयर्स बनानी कितनी है, 120 बनानी है। तो 120 को 6 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा जी 20। तो ए बी सी तीनों जन मिलकर 20 दिन में सारी की सारी चेयर्स बना रहे हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछेगा हमारे से कि ए अकेला पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। तो हमको ये तो मालूम ही है कि ए बी और सी तीनों जन मिलकर एक दिन में 6 चेयर्स बना रहे हैं, और हमको ये भी मालूम है कि बी और सी दोनों जन मिलकर एक दिन में 4 कुर्सियां बना रहे हैं। तो ए हमको नहीं पता, लेकिन बी और सी तो हमको पता है ना, एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहे हैं, 4 कुर्सियां बना रहे हैं। ठीक है, और बराबर में 6 आएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 6 में से 4, 4 उधर जाके माइनस हो जाएंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ए एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहे हैं, 2। तो 120 चेयर्स बनाने में ए कितने टाइम समय लेगा, तो 120 बटे में 2 करेंगे तो कितना आएगा, 60 डेज। तो ए को अकेले 60 डेज लग जाएंगे पूरी की पूरी चेयर्स बनाने में। तो इसी प्रकार से हम बी और सी की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे बी और सी की वैल्यू, तो सबसे पहले हम वही इक्वेशन लेंगे, ए बी और सी तीनों मिलकर 6 कुर्सियां बना रहे हैं। ठीक है, इस बार हमको बी की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या ए और सी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए और सी की वैल्यू कितनी है, ए और सी की वैल्यू है 3। ए और सी की वैल्यू है 3 प्लस बी इज इक्वल टू 6। 3 है जो उधर जाके माइनस हो जाएगा, बी 6 में से 3 निकालेंगे, 3 रह जाएगा। ठीक है, तो 3 आ गई बी की एफिशिएंसी, यानी कि बी के एक दिन का कार्य है। तो बी को कितना कार्य करवाना है, हमने 120 काम करवाना है। तो 120 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर बचेगा, 40। यानी कि 40 डेज लगेंगे बी को सेम कार्य करने में। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन बचता है कि सी उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 6। सी की वैल्यू निकालनी है तो इस बार हमको किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ए और बी की। ए और बी की वैल्यू कितनी है एक दिन की, एक दिन में ए और बी दोनों मिलकर 5 चेयर्स बना रहे हैं। सी पता नहीं कितनी चेयर्स बनाता है, लेकिन तीनों मिलकर कितनी चेयर्स बना रहे हैं, 6। तो 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि सी एक दिन में 1 चेयर बना रहा है। तो 120 चेयर बनाने में कितना टाइम लेगा, 120 बटे में 1 बराबर 120 डेज। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डेज। तो इसी तरह हम चारों के चारों क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो मैं अभी क्वेश्चन आपको रिपीट करवाता हूं कि ए और बी अगर किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए ए बी सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, अकेला ए उस काम को कितने दिनों में करेगा, अकेला बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, और अकेला सी उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम करके उनकी एक दिन की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी ए और बी की एक दिन की एफिशिएंसी 5, बी और सी एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहे हैं, 4, सी और ए एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहे हैं, 3। तो हमको सबसे पहले वैल्यू चाहिए थी ए बी और सी की, तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जोड़ दिया। लेफ्ट हैंड राइट साइड को जोड़ने के बाद क्या हमको प्राप्त हुआ, ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 12। तो 2 हम इन तीनों में से कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन आने के बाद क्या बचा, ए बी सी अंदर बच गया और बराबर में 12। 2 इधर मल्टीप्लाई में है इसीलिए उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 12 से 2 काटेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ए बी सी की एक दिन की एफिशिएंसी आ गई 6, यानी कि ए बी सी एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहे हैं, 6। लेकिन ए बी सी को मिलकर बनानी कितनी चेयर है, 120। तो 120 को 6 से डिवाइड करने पर हमको जो आंसर मिला 20, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर 20 डेज में ये पूरा काम खत्म कर देंगे। ठीक है, अभी हमको वैल्यू निकालनी है ए की। ए की वैल्यू निकालने के लिए हमको सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकालनी चाहिए थी। ए बी सी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितनी वैल्यू आई थी, 6। 6 यानी कि इनकी एफिशिएंसी है एक दिन की। लेकिन
ए की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमको वैल्यू चाहिए बी सी की, जो कि हमको ऑलरेडी गिवन है। कितनी गिवन है? बी और सी एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहे हैं? चार। तो हमने बी और सी की वैल्यू पुट कर दी और ए की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गई, कितनी आ गई? दो। अगर ए एक दिन में दो चेयर्स बना रहा है तो पूरी चेयर्स बनाने में ए कितना टाइम लेगा? पूरी चेयर्स हैं कितनी? 120। तो हमने क्या किया, 120 को 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया? 60। तो इसी प्रकार हम बी और सी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। हाँ जी, तो नेक्स्ट हम जो मेरे पास है वो कौन सा है? कि ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 12 दिनों में कर रहे हैं, बी और सी दोनों मिलके उसी काम को 8 दिनों में कर रहे हैं, सी और ए दोनों मिलकर उसी काम को 6 दिनों में कर रहे हैं। तो बताइए ए बी सी, ए बी सी तीनों मिलके इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 24। तो एलसीएम आ गया जी 24। तो 24 को 12 से कट करेंगे तो आएगा 2, 8 से कट करेंगे आएगा 3, 6 से कट करेंगे आएगा 4। ठीक है, तो ए बी सी तीनों मिलके इस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जोड़ करने पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी? ये ए और ए 2A, बी और बी 2B, और सी 2C। ठीक है, अगर हम लेफ्ट साइड का जोड़ कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि अगर आप जो लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन ऑपरेट करोगे वही फंक्शन आपको राइट हैंड साइड पे भी ऑपरेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ किया था तो यहाँ पे भी जोड़ करना पड़ेगा। 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो तीनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, ये हर बार कॉमन ही आएगा। ए बी सी कितना आ गया? 9। और ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/2। अगर ए बी सी तीनों मिलकर 9/2, इसको मैं काट कर 4.5 लिख सकता हूँ, 4.5 लिख सकता हूँ ना। ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितनी चेयर्स बना रहे हैं? 4.5 चेयर्स बना रहे हैं। तो हमको क्या चाहिए? ए बी सी सारी की सारी चेयर्स कितने दिनों में बना देंगे? तो 24/4 लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट उड़ाकर जो नीचे 10 लिखते हैं लेकिन जब बटे में हो तो वो 10 कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। अभी इसको हम काटेंगे, 5 2s are 10, 5 को यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। फिर यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएगा? 3। यहाँ से काटेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 × 16। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 16/3। या इसको फर्दर काटेंगे तो कितना आएगा? 5 1/3 days। ठीक है, तो ए बी सी तीनों को मिलकर ये काम करने में कितना समय लगेगा? 16/3 days। तो अभी मैं इस सम को भी रब करने जा रहा हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट हम लिखेगा, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 72 दिनों में कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 72 दिनों में कर रहे हैं, बी और सी दोनों मिलकर उसी काम को 120 दिनों में कर रहे हैं, सी और ए दोनों मिलकर उसी काम को 90 दिनों में कर रहे हैं। तो बताइए ए बी सी तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले हम वही एलसीएम लेंगे। 72, 120 और 90 का एलसीएम कितना आएगा? 360।
ठीक है। और ये अगर 72 दिन में 360 चेयर्स बना रहे हैं तो एक दिन में कितनी चेयर्स बनाएंगे? 5। ये कितनी चेयर्स बनाएंगे? 3। ये कितनी चेयर्स बनाएंगे? 4। तो ए बी सी तीनों मिलकर ये चेयर्स कितने दिन में बनाएंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जोड़ करेंगे। तो जोड़ करने पर हमें पता ही है क्या मिलता है, 2 × A + B + C। तो राइट हैंड साइड का जोड़ करेंगे, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 और 3 कितना आता है, 12। ठीक है, और ए बी और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/2। 12/2 कितना आ जाएगा, 6। तो ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 चेयर्स बना रहे हैं, तो टोटल चेयर्स बनानी कितनी है, 360। पर डे की कितनी चेयर्स हैं, 6। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डेज लगेंगे जी इनको पूरा काम करते करते। ठीक है जी, अभी नेक्स्ट सम करते हैं इसी कैटेगरी का ही। हाँ जी, तो ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर रहे हैं, बी और सी दोनों मिलकर उसी काम को 12 दिनों में कर रहे हैं, सी और ए मिलकर उसी काम को 10 दिनों में कर रहे हैं। तो बताइए तीनों जन मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। बी और सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। और सी और ए मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 6। तो तीनों जन मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो उसके लिए हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जोड़ करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड का जोड़ करने पर हमको पता क्या आता है, 2 × A + B + C = 6 और 3 कितना आएगा, 9, 9 और 5 14। तो ए बी और सी तीनों जन मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, ये 2 इधर है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में करेंगे तो 14/2 = 7। तो ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 7। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 60/7 दिन। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। हाँ जी फ्रेंड्स, तो इस कैटेगरी के जितने भी सम पेंडिंग हैं तो आप अपने आप सोल्व करने की कोशिश करना। तो अगर आपसे कोई सम नहीं सोल्व हो पाता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आप इस तरह के कुछ और भी सम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।